सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये राजा परीक्षित ने जब शुक्रताल में सप्ताह यज्ञ श्रवण किया, किसके द्वारा? भगवान सुखदेव के द्वारा। तो भगवान सुखदेव ने ताल ठोक करके ये कहा, इसलिए जगह का नाम शुक्रताल रखा गया। राजा तो वहां जंगल में, बियाबान जंगल में वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए थे। जगह का नाम शुक्रताल थोड़ी था, पर सुखदेव भगवान ने ताल ठोक करके ये बात कही, एक दिन पाठ कराने से पितरों का एक पीढ़ी का उद्धार, दो पाठ कराने से दो पीढ़ी का उद्धार, और जो हमेशा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है हमेशा उसकी सभी पीढ़ियों का उद्धार होता रहता है। उसके पितर कभी नरकों में नहीं जाते हैं, उसको कभी पितर दोष नहीं रहता है, और उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। राधे राधे। ये बात सुखदेव भगवान ने ताल ठोक करके कही, इसलिए जगह का नाम शुक्रताल रखा गया। बस यहीं पर राजा अनशन लेकर के बैठ गए। दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्मा, गृहस्थी, इसके रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी राजा के पास में आए। साधु ब्राह्मणों ने बड़े बड़े उपचार किए, ऐसी 7 दिन में कौन सी विधि है जो राजा का उद्धार हो जाए। राधे राधे। बहुत उपचार ढूंढे पर कोई नहीं मिला। नारद जी भी इस ऋषियों के साथ मौजूद थे, तो नारद जी वहां से चले, कोई न कोई उपाय लेकर के मुझे आना है। नारद जी जैसे ही चले, कुछ दूर गए थे तो सुखदेव भगवान जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने बैठ गए थे, पिताजी आवाज लगा रहे थे, वो भी सुनाई नहीं दे रही थी। आज इनको 4 वर्ष हो गए और खोड़स वर्षीय 16 वर्ष की अवस्था है, तपस्या करके चले हैं, परमहंस स्थिति में है। नारद जी ने दर्शन करते ही पहचान लिया, ये मेरी प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। राधे राधे।